रीवा में डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह वर्कशॉप और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा महाराज पुष्पराज सिंह, डाक अधीक्षक आर एस चौहान समेत डाक विभाग के कर्मचारी और बच्चे मौजूद रहे। डाक टिकटों के संग्रहों की यह प्रदर्शनी लगाई गई जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे डाक टिकटों के बारे में जान सके और डाक टिकट संग्रह की आदत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही यहां पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें बंचू ने डाक टिकट समेत अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इसके साथ ही बांधव पब्लिक स्कूल को संपूर्ण सुकन्या स्कूल घोषित किया गया। आज यहाँ डाक विभाग की तरफ से तो हमारे विभाग की एक अभिनव योजना है डाक टिकट संग्रह, जिसको हम लोग फिलेटलिस्ट के नाम से जानते हैं। जो डाक टिकट संग्रह करते हैं उनको फिलेटलिस्ट कहते हैं। तो जो डाक टिकट संग्रह की जो हॉबी है उसको बढ़ावा देने के लिए हमने बच्चों के बीच में आज एक वर्कशॉप रखी, उनको डाक टिकट के संबंध में जानकारी दी और कुछ का एक प्रतियोगिता रखी, कुछ प्रतियोगिता रखी गई। साथ में उन्होंने ड्राइंग भी आज बहुत अच्छी अच्छी बनाई, चित्र बनाए डाक टिकट से संबंधित। और जिन बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है उनको पुरस्कार भी दिया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो बना है उसके माध्यम से फिलैटले की ये प्रदर्शनी लगाई गई है। फिलैटले का एक साधारण मतलब है जो हमारे स्टैम्प्स हैं, पोस्ट के स्टैम्प्स हैं, उनकी ये प्रदर्शनी लगाई गई है। किस प्रकार से समय के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तारीख इतिहास में अंकित होती गई उसके नाम से ये टिकट, डाक टिकट जारी होते गए, तो उसको दिखाने के लिए और बच्चों को प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर लगाया गया है। जो भारत सरकार की सुकन्या योजना चल रही है, जो बहुत पॉपुलर योजना है, उसको लेकर जो हमारी संस्था है बांधव पब्लिक स्कूल रीवा, वो 100% सुकन्या योजना के साथ में आ गई है। ये सुकन्या स्कूल हो गई है, शाला हो गई है, और उसके एवज में बच्चों को आज पुरस्कार भी मिल रहा है, उनको और सम्मान भी मिल रहा है, उनको एक दिशा भी मिल रही है।